कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है। साबिक कप्तान ने अदाकारा सना जावेद को जीवन साथी बना लिया। शोएब मलिक ने तस्वीर के साथ कैप्शन लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब मलिक की पहली शादी भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से 2010 में हुई। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा में बाहिमी इत्तेफाक के साथ अलहदगी हो गई, बेटा वालदा के साथ रहेगा। शोएब मलिक और सानिया मिलकर बेटे की किफालत करेंगे। शोएब मलिक ने सना जावेद से शादी क्यों की? हम पाकिस्तानी खुद भी नहीं खुश रहते, दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते, क्योंकि हमारा मसला है। जो उसकी पर्सनल चीजें हैं वो उसी की हद तक रहनी चाहिए, लेकिन हमें जज नहीं करना चाहिए, हमारा कोई काम नहीं है। ह्यूमरस और एक शरारती नेचर है शोएब मलिक की, मुझे तो ऐसा लगा, क्या पता ही इज एक्टिंग इन अ ड्रामा। शादी और तलाक मुश्किल फैसले हैं, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की जानिब से कहा गया, जिंदगी का मुश्किल फैसला समझदारी से करें, मोटापा मुश्किल है और फिट रहना भी मुश्किल है, सानिया मिर्जा की जानिब से कहा गया था। कमाऊ और अच्छी लड़की जो भारत से ताल्लुक रखती थी, उस लड़की को इन्होंने फंसाया प्रेम जाल में जैसे करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सब यही होता है, ये वहां पर भी होता है। नहीं तो ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर कितने पड़े हुए थे, क्या इनको मुंह लगाते थे? ठीक है, एक पुराना जमाना रहा होगा जब थोड़ा बहुत फेम मिलता था, लेकिन अभी तो इनको कोई कुछ कुत्ता भी नहीं पूछता। तो बाल भी अब सफेद होना शुरू हो गया 2890 साल की उम्र के अंदर, और यहाँ लोग दो दो तीन तीन शादियां कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है माशरे के अंदर, क्या चल रहा है जिंदगी में। मलिक और सानिया मिर्जा की शादी हो रही थी, सानिया मिर्जा बकौल इंडियन फैंस के, और ऐसा दिखता भी है कि पूरे इंडिया के अगेंस्ट होकर उन्होंने शोएब मलिक से शादी का फैसला किया था, और उनके ऊपर काफी ज्यादा जैसा कहते हैं क्रिटिसिज्म भी किया गया था कि क्यों पाकिस्तानी लड़के से शादी की जा रही है। यही नहीं, उनको अपना हैदराबाद में घर छोड़ना पड़ा, वो दुबई के घर में शिफ्ट हो गई हुई थी शोएब मलिक के साथ रहने के लिए। तो लोग ये कह रहे हैं, स्पेशली इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि एक लड़की ने आपके लिए इतना कुछ किया, अपने करियर को दांव के ऊपर लगाया, सब कुछ किया, उसके बावजूद आपने उसको छोड़ दिया। सना जावेद भी मैरिड थी, सना जावेद वॉज हरसेल्फ मैरिड to a very phenomenal known famous Pakistani singer Uzair Jaiswal. Shoaib Malik ki teesri shaadi hai, pehli unki shaadi Hyderabad Dakkan ki ek ladki ke sath hui thi jisme kafi controversy rahi aur uske baad us ladki ke sath Shoaib Malik ki alaydgi ho gayi. Darzi jab tak jiyega tab tak siyega, ye kahawat Shoaib Malik ke upar sahi acche tarike se baithti hai. Jai Hind doston, to doston aapko bata dein ki Pakistani khiladi Shoaib Malik ne teesri baar shaadi kar li hai jisko lekar Pakistan mein ने सोशल मीडिया पर और भारत में इन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले इनकी शादी भारतीय टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा से हुई थी, इसके बाद उन्होंने बिना बताए सना जावेद से शादी कर ली, जिसके बाद इन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान में चीजें चल रही है, पूरी तरीके से सभी लोगों को हैरान कर दिया है। कमाऊ और अच्छी लड़की जो भारत से ताल्लुक रखती थी, उस लड़की को इन्होंने फंसाया प्रेम जाल में जैसे करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सब यही होता है, ये वहां पर भी होता है। तो उनको एक अच्छी लड़की मिल गई, इंटरनेशनल नाम, नहीं तो ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर कितने पड़े हुए थे, क्या इनको मुंह लगाते थे? ठीक है, एक पुराना जमाना रहा होगा जब थोड़ा बहुत फेम मिलता था, लेकिन अभी तो इनको कोई कुछ कुत्ता भी नहीं पूछता। तो यहां से इन्होंने सानिया, जिसका पहले से सौरभ मिर्जा के साथ सगाई हुई हुई थी, उसका क्लासमेट था, फिर बीच में शाहिद कपूर के साथ भी कुछ उनके बारे में सुनने में आया, तो इन्होंने देखिए उस लड़की को अच्छे खासा उसकी लाइफ हो सकती थी। ऐसा नहीं, अभी भी करियर है उनका, सब कुछ है, और चलो वो अगर वो नहीं भी खेलती है, अपने बच्चे को भी देखती है, उसके बाद भी आप देखें ना, एक थप्पा लग जाता है जो लड़की पे, या एक दर्द होता है कि भाई मेरा शौहर किसी और के साथ है। किसी भी लड़की को आज डिवोर्स हो जाए तो अलग बात है, चलिए डिवोर्स हो गया, नहीं पटा डिवोर्स हो गया, लेकिन वो अगर कोई और रीजन हो उसमें, मेरी अगर किसी से नहीं पट रही है और हम अलग हैं, ऐसा ऐसा सोचना भी, तसव्वुर करना भी एक लड़की के लिए गुनाह है, लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं पट रही है, वर्स्ट केस सिनेरियो लड़का मारता पीटता, या फिर नहीं, जज्बा बिल्कुल ही नहीं मिलता है, नहीं खा सकते, तब तो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई और लड़की बीच में है, उसकी वजह से अलहदगी हो रही है, डिवोर्स हो रहा है, तो वो बुरा लगता है। ह्यूमरस और एक शरारती नेचर है शोएब मलिक की, मुझे तो ऐसा लगा, क्या पता ही इज एक्टिंग इन अ ड्रामा, बिकॉज ही हैज एक्टेड इन फ्यू फिल्म्स लाइक कैमियो वगैरह किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कोई किसी ड्रामे की तस्वीर है, और जिसमें जो है ये शोएब मलिक ने वो शेयर किया है, मगर फिर नहीं। अच्छा, वैसे पहले मैं भी ये सोचा, क्योंकि वो जो शोएब मलिक की फिल्म का कैमियो हुआ था, जो फिल्म में एक्टिंग की थी, सवेरा की बहन ने प्रोड्यूस की थी, सो शोएब मलिक ने उस फिल्म में कैमियो किया था, तो मैंने फौरन से सोचा, मैंने कहा उसी फिल्म से सियालकोट बाबा का पता नहीं क्या किया था, नहीं फिल्म एक्टर ही बना था, फिल्म एक्टर का कोई कैमियो रोल किया था, मगर उसमें वो बाबा जी सियालकोट, बाबा जी सियालकोट, वैसे कोई पंचलाइन मारा था बाबा जी सियालकोट। सो शोएब मलिक तो मैं समझा नहीं मैंने, लेकिन उसमें नीलम मुनीर थी, उसमें सना जावेद नहीं थी, लेकिन मुझे तो सना जावेद की तरफ से भी शौक था, वो भी तो शादीशुदा थी गुजर से पहले तक, तो बड़ी खामोशी से सेपरेशन हो गई, बड़ी खामोशी से शादी हो गई, लेकिन रिएक्शन क्या है आपका वैसे, ये तो बता दें शादी करने पे? भाई इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, मतलब मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई घुसे, तो शोएब मलिक ने अगर शादी कर ली है तो ठीक है, वेल एंड गुड, कर लिए तो कर लिए, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। जिस तरह, क्योंकि बहुत अरसे से ये न्यूज आ रही थी मुसलसल सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की,
और उस न्यूज को ये खुद ही कंफर्म नहीं कर रहे थे। शोएब मलिक की तीसरी शादी है, पहली उनकी शादी हैदराबाद दक्कन की एक लड़की के साथ हुई थी जिसमें काफी कंट्रोवर्सी रही और उसके बाद उस लड़की के साथ शोएब मलिक की अलहदगी हो गई। लेकिन सना जावेद के साथ इन तस्वीर का अपलोड होना और शादी की तस्दीक होना अब इस चीज का भी इंडिया है कि शोएब मलिक और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के दरमियान जो अलहदगी की खबरें काफी अरसे से गर्दिश में थी और हमने भी चंद महीने पहले जियो न्यूज पे इस खबर को ब्रेक किया था कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक में अब तकरीबन मामला अलहदगी की तरफ जा रहे हैं। तो इस शादी की तस्दीक के बाद अब ये खबर भी तस्दीक हो गई है कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक में भी अलहदगी होगी और शोएब मलिक ने अब नई जिंदगी का आगाज जो है वो सना जावेद के साथ किया है। शोएब मलिक आजकल ज्यादा वक्त उनका कराची में ही गुजरता है, यहाँ पर कुछ उनकी टेलीविजन से रिलेटेड कमिटमेंट्स हैं, क्रिकेट में वो कम कम नजर आते हैं। लेकिन सना जावेद के साथ शादी की इस तस्दीक के बाद सानिया मिर्जा के हवाले से जो क्या सारियां काफी अरसे से गर्दिश में थी अब उनकी भी तस्दीक होने जा रही है। सना जावेद भी मैरिड थी, सना जावेद वॉज हर सेल्फ मैरिड टू अ वेरी फिनोमिनल नोन फेमस पाकिस्तानी सिंगर उजैर जसवाल। उजैर जसवाल ने कोक स्टूडियो में अपना नाम बनाया, देन ही रोज टू द फेम और उसके बाद जो है देयर वाज नो लुकिंग बैक। सना जावेद अमेजिंग एक्ट्रेस, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बहुत बड़े ड्रामे, लास्ट जो मैंने उनका ड्रामा देखा था वो डंक था, अमेजिंग एक्टिंग, शी इज अ फैबुलस एक्ट्रेस, बट अगेन शी वॉज मैरिड टू उजैर जसवाल। शोएब मलिक वॉज मैरिड टू सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा को कौन नहीं जानता, आई डोंट थिंक सो मुझे इंडिया में या पाकिस्तान में किसी को बताने की जरूरत भी पड़ेगी कि हु इज सानिया मिर्जा। सो अब शोएब मलिक ने सना से शादी कर ली है, सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये है कि क्या अभी भी शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी इंटैक्ट है? When did सना जावेद parted ways from उजैर जसवाल? लेकिन नाज़रीन ये सब हुआ कब? दिस इज द मेन क्वेश्चन एक्चुअली। अच्छा, अब जो लास्ट उजैर जसवाल और सना जावेद की पिक्चर्स हैं वो आखिरी पिक्चर्स जो इंस्टाग्राम पे देखी गई थी अकॉर्डिंग टू द विटनेसेस वो नवंबर 2023 तक देखी गई थी। यहाँ तो डिवोर्स है कि नहीं ये भी नहीं पता, यहाँ वो अपनी प्रोफाइल बदलते रहते हैं, तो एक इंटरनेशनल फेम्ड लड़की को जिसको भारत की बेटी कहा जाता है उस बेचारी को ये डिवोर्स दे रहे हैं। तो ये हिंदुस्तानी मुसलमानों को सोचना चाहिए कि भाई जो मतलब ये सोचे कि हिंदू मैं यहाँ पर मजहब के बारे में भी नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ आप सानिया यहाँ किसी से शादी कर लेती, यहाँ इतने लोग थे इतने लड़के थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी हिंदू से कर लेती, यहाँ मुस्लिम से ही कर लेती, अच्छे मुसलमान लड़के से कर लेती, यहाँ इतनी बड़ी नामी गिरामी फैमिली थी यहाँ पर, और लोग तो यहाँ ट्रिपल तलाक के मारे इस तरह से डर के मोदी के ख्वाब से तलाक भी नहीं देते, और सानिया बिल्कुल अपना फख्र से जीती और लोग उनका साथ भी देते, अभी भी दे रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें हो सकता है कि कुछ उनकी चीजों से परेशानी हो, लेकिन यहाँ पर हम बात करें एक लड़की की जिसकी जिसपे उसके बच्चे के सर से बाप का साया एकदम से उठा दिया गया है। अब ये भी आपको मालूम है कि शोएब मलिक की जो शादी थी वो बड़ी फेमस शादी थी, क्योंकि शोएब मलिक ने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ शादी की हुई थी जो कि इंडिया से ताल्लुक रखती हैं, और सानिया मिर्जा ने आपको बताया सिस्टम के साथ वो लड़ गई थी शोएब मलिक के साथ शादी करने के लिए और इनकी शादी हुई, लेकिन वो एक नाकाम शादी जो है साबित हुई। और शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलायदगी की खबरें काफ़ी दिनों से चल रही थी, बल्कि काफ़ी मंथ से चल रही थी, लेकिन ये दोनों जो है वो सोशल मीडिया पर उन खबरों को डिनाई करते रहे। लेकिन आज ये सारा जो है वो मामला खुल के सामने आया जब शोएब मलिक ने एक जो है वो पोस्ट लगाई है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो है वो शादी हो चुकी है सना जावेद के साथ, इन्होंने वो पोस्ट लगाई है। हालांकि आशा उमर के साथ जो है शोएब मलिक की बड़ी तस्वीर वायरल होती रही, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि शायद शोएब मलिक जो है इनके साथ शादी करने जा रहे हैं, और शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलायदगी की जो वजह है वो आशा उमर है, लेकिन ये किसे मालूम था कि शोएब मलिक जो है वो सना जावेद के साथ शादी करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में शोएब मलिक के शादी को लेकर कितनी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, वहीं आपको बता दें कि इसके पहले शोएब मलिक ने भारतीय टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा से शादी की थी, जिसके बाद मतलब अभी कुछ दिनों पहले सानिया मिर्जा ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा था, मतलब काफी इमोशनल पोस्ट किया था, जिसको लेकर सभी लोग हैरान हो गए थे कि कहीं शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के बीच में अलग होने का बातचीत हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आज जिस तरह से शोएब मलिक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर सभी को हैरान कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत में काफी ज्यादा इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मतलब बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि इनकी तीसरी शादी है और कुछ लोग बता रहे हैं इनकी दूसरी शादी है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान में मतलब हालात चल रहे हैं उसको लेकर सभी लोग हैरान हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से सानिया मिर्जा ने मतलब भारत के खिलाफ होकर उन्होंने शोएब मलिक से शादी की, और जिस तरह से शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा
मिर्जा के साथ किया है पूरी तरीके से हैरान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ये बात सानिया मिर्जा को भी सोचना चाहिए, उस समय जब सोया मलिक से शादी की थी कि मतलब आगे का फ्यूचर उन्होंने नहीं देखा था और जिस तरह से सोया मलिक ने उन्हें यूज किया पूरी तरीके से सभी लोग को हैरान कर दिया है। वहीं आपको ये बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत चल रही है पूरी तरीके से इनकी क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो गई है। वहीं जिस तरह से पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ी अलग अलग कारनामे कर रहे हैं। खैर इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि ये जो सोया मलिक ने सानिया मिर्जा के साथ जो किया और मतलब जो तीसरी शादी की है सही किया है गलत किया, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।